हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सैंडवांग एफएफ शेयर कर रही थी, और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे जो लैंसन और विंग का और जियांगशेन और लैंसेचन का रिश्ता तय हो गया था, मतलब उनकी इंगेजमेंट फिक्स हो गई थी, और ना विंग और लैंसन को ये नहीं पता था। तो वो दोनों घूमने गए थे, तो वो ना बाहर मस्त घूम रहे थे और ना ऐसे आइसक्रीम खाने जा रहे थे, घूमने जा रहे थे, सब जगह बीच पर जा रहे थे, और ऐसे करके ना वो दोनों घूम रहे थे और दोनों ना बहुत मस्ती कर रहे थे। और ना रात हो जाती है और रात को वो दोनों घर आते हैं, तो ना वो दोनों आकर ना मतलब डिनर करते हैं अपनी फैमिली वालों के साथ। और ना उन दोनों को ना कौन बताए, ये सोच रहे थे वो लोग कि तुम्हारा इंगेजमेंट फिक्स कर दिया है, ये कौन बताए। तो ना हमारे सिचेन का जो है ना वो विंग को बुलाते हैं अपने पास, और जियांगशेन जो है ना लैंसन को बुलाता है अपने पास, और वो दोनों ना इन दोनों को ना एक एक कमरे में लेकर जाते हैं। और सिचेन का ना विंग से पूछ रहे थे कि तुम मेरे भाई से शादी करोगे, मतलब इंगेजमेंट करोगे अभी। तो ना हमारा विंग ना ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि मतलब क्यों इंगेजमेंट क्यों करनी है अभी। तो सिचन का कहते हैं कि क्योंकि लैंसन भी तुम्हारे साथ जाएगा पढ़ाई करने, और तुम दोनों ना एक दूसरे से अलग नहीं होगे। तो ना हमारा विंग ना सोचता है कि इंगेजमेंट कर लूँगा तो क्या हो जाएगा, हम दोनों एक साथ ही रहेंगे ना और अलग नहीं होंगे, तो कर लूँगा ऐसा बोलता है। और इधर ना जियांगशेन जब लैंसन को ये पूछता है ना, तो वो हैरान हो जाता है कि हमारा मतलब इंगेजमेंट क्यों करवाने रहे हैं, ऐसा बोलता है। तो जियांगशेन कहता है कि तुम और विंग ना एक साथ जाओगे पढ़ाई करने, और वहाँ पर एक साथ रहोगे, इसी वजह से तुम्हारा इंगेजमेंट कर देंगे, और ऐसा बोल रहा था। तो ना हमारा लैंसन ना हाँ कहता है, उसके मन में क्या चल रहा था नहीं पता है, बाद में पता लगेगा। और ना अगली सुबह इन लोगों के घर में ना छोटी सी पार्टी रखी थी, और ना उनके ना फैमिली वालों को बुलाया गया था जो करीबी थे उनको। और ना हमारा जो विंग है वो रेडी हुआ था, और सिचन का रेडी हुए थे, और दूसरी तरफ लैंसन और जियांगशेन रेडी हुए थे। और ना इन दोनों को आज सुबह पता लगता है कि इन दोनों के भाई की भी इंगेजमेंट है, करके नहीं पता था इन दोनों को। तो ना वो लोग भी हैप्पी हो जाते हैं कि हम दोनों के भाई भी मतलब इंगेजमेंट कर रहे हैं करके। और ना इन लोगों का ना इंगेजमेंट हो जाता है, तो ना उनके फैमिली वाले ना बहुत हैप्पी थे कि इन लोगों का इंगेजमेंट हो गया, बाद में इन लोगों की शादी होगी ऐसा करके। और ना हमारा जो लैंसन था ना वो बहुत खुश लग रहा था। और ना उसके बाद ना इन लोगों का ना मतलब पैकिंग शुरू हो जाता है, मतलब पैकिंग करते हैं बाकी सब। और ना घर वाले कहते हैं कि तुम दोनों एक साथ रहना और ना एक दूसरे का ख्याल रखना, ऐसा सब बोलते हैं। और ना हमारा विंग जो है ना वो ना हाँ कहता है, और लैंसन भी हाँ कहता है, और वो दोनों ना अगले दिन मतलब चले जाते हैं। लैंसन और विंग ना गुसू चले आते हैं, और वहाँ पर जाते हैं अपने मतलब जो अपार्टमेंट है वहाँ पर। और वहाँ पर ना दो रूम्स थे, और ना किचन था और छोटा सा हॉल था, और ऐसा था उनका रूम। तो ना वहाँ पर जाते हैं और अपना सब सामान सेट करते हैं वहाँ पर, और बेड में ना कपड़े रखते हैं वो दोनों। और ना हमारा विंग कहता है कि लैंसन मुझे भूख लगी है, बोलता है। तो ना हमारा लैंसन कहता है कि विंग हमें शॉपिंग करने जाना पड़ेगा कुछ खाने के लिए बनाने के लिए, तो सब्जियाँ चाहिए ना। तो ना ये दोनों ना मतलब बाहर आ जाते हैं, और ना एक साथ ना शॉपिंग करने जाते हैं और सब्जियाँ खरीदते हैं और कुछ सामान खरीदते हैं और घर आ जाते हैं। और हमारा लैंसन ना कुकिंग करने लगता है, और ना वो ना खाना बनाता है। और ना लैंसन बहुत हैप्पी था और विंग भी खुश था, क्योंकि वो दोनों एक साथ थे अभी, अलग नहीं हो रहे थे। और ना वो दोनों खाना खाते हैं, और रात का टाइम था तो वो दोनों अपने अपने कमरे में जाते हैं और सो जाते हैं। और ना अगले दिन ना
वो दोनों ना कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ पर ना उन लोगों के ना फ्रेंड्स बन जाते हैं, और निहोसेन, वेंचिंग, वेनिंग, ये सब उनके दोस्त बन जाते हैं। और ना वो लोग ना पूछते हैं कि तुम दोनों ने एक जैसी रिंग क्यों पहनी है, क्योंकि इन लोगों ने नहीं बताया था कि हमारी इंगेजमेंट हो रखी है। तो ये किसी को बताने वाले भी नहीं थे, क्योंकि घर वालों ने कहा था कि ये हमारी फैमिली वाले को ही पता लगेगा, मतलब रहेगा, और बाकियों को मत बताना। शादी में सबको बुलाएंगे और तभी सब लोग को पता लगेगा कि तुम दोनों का इंगेजमेंट हुआ था, शादी होने वाली है, ऐसा सब कहा था। तो ये दोनों ना कुछ नहीं कहते हैं, और उनके दोस्त कहते हैं कि तुम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो सेम रिंग क्यों पहनी है, मतलब ऐसे कपल रिंग क्यों पहनी है, ऐसा बोलते हैं। तो ना वो दोनों ना कुछ नहीं बोलते हैं, और ना हमारे लहसुन का ना खाना रेड हो जाता है, और ना हमारा भींग कहता है कि ऐसे ही हम लोगों ने खरीद लिया था, तो एक दूसरे को गिफ्ट कर दिया था, और वो कपल रिंग मतलब था तो हमें पता नहीं था, तो पहन लिया तो नहीं हटाया, ऐसा सब बोलता है, बहाना बनाता है भींग। तो ना उसका बहाना ना किसी को ना मतलब पसंद नहीं आता, और सबको लगता है कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। और ना सबको नहीं पता था कि ये दोनों एक साथ रहते हैं, एक ही घर में, मतलब एक अपार्टमेंट में रहते हैं, ऐसा नहीं पता था। और वो दोनों ना कॉलेज से घर आते हैं, और विहिंग और लैंसन कहते हैं कि आज तो बच गए, नहीं तो इन लोगों को पता लग जाता कि हमारी इंगेजमेंट हो रखी है करके। और उनके जो दोस्त थे ना, वो उन लोग ना मतलब देखते थे कि ये दोनों ना साथ में आते हैं और साथ में जाते हैं घर। तो ना एक दिन निहुसैन पूछता है कि तुम दोनों का घर क्या मतलब आसपास है, जो एक साथ जाते हो आते हो। तो ना भिंग कहता कि हाँ, आसपास ही है घर, इसी वजह से हम पड़ोसी भी हैं, इसी वजह से बोलता है, आते जाते हैं बोलता है। तो ना वो लोग हाँ कहते हैं। उसके बाद ना इन लोगों का ना कॉलेज का डे ऐसे ही जा रहा था, और ना वो लोग ना बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, और बाकी सब ठीक था। वो लोग ना मतलब एक साथ रहते थे, खाना बनाते थे, खाते थे, पढ़ाई करते थे, और कॉलेज जाते थे, फिर घर आते थे, और ऐसे करते करते वो लोग रह रहे थे। और ना ऐसे करते करते ना 3 साल बीत जाते हैं, और 3 सालों में ना उन दोनों में कुछ नहीं बदला था, वो दोनों जैसे थे वैसे थे, मतलब बेस्ट फ्रेंड की तरह थे। तो ना ऐसे करते करते ना वो कॉलेज जा रहे थे, आ रहे थे, और एक दिन क्या होता है कि उनकी जो मतलब फ्रेंड्स हैं ना, वो कहते हैं कि ये लोग मतलब हमेशा एक साथ आते जाते हैं, 3 सालों से देख रहे हैं, और जब हम उनके घर जाने की बात करते हैं तो वो दोनों टाल देते हैं, तो आज ना हम उनका पीछा करेंगे बोलते हैं। और ना ये लोग जो थे ना, विंग और लैंसन का ना पीछा करने लगते हैं, और वो दोनों ना एक ही घर में जा रहे थे, तो ये देख कर ना इनके फ्रेंड्स जो थे ना, वो लोग शॉक्ड हो गए थे। तो हम कल सुनेंगे कि इन लोगों को मतलब जब पता लगेगा कि लैंसन और विंग ना इंगेज हैं और एक साथ रहते हैं, तो क्या सब होगा, कैसा हंगामा होगा, और क्या होगा, और उनका मतलब रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ेगा, और ये सब हम देखेंगे आने वाले पार्ट में। और आपको ये एफ पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट भी कर देना। ओके, बाय।